महाराष्ट्र एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से चलाई जाने वाली इदारे लेडी हलीमा बेगम उर्दू प्राइमरी स्कूल और इस्माइल हसन खान उर्दू प्राइमरी स्कूल के मैं मौलेमा आबिदा शेख आज तीसरी जमात का मराठी विषय में से एक कविता पढ़ाऊंगी जिसका नाम है ससुबा। तमाम बच्चे अपनी मराठी की किताब निकालेंगे। कविता क्रमांक 10 पेज नंबर 15। तो बच्चों सफा निकालते ही तुमको नजर नजर आएगी, कविता नजर आएगी और उसके सामने दो तस्वीरें हैं, दो चित्र हैं जिसमें खरगोश बताया गया है। खरगोश को मराठी में ससा कहते हैं और यहाँ पर ससे को ससुबा कहा गया है। पहले चित्र में बच्चों खरगोश बैठा हुआ है, घास खा रहा है और दूसरी तस्वीर में एक लड़की ससुबा के पीछे दौड़ रही है। अब मैं नजम पढ़ूंगी और सब बच्चे हर लफ्ज पर उंगली रखेंगे। ससारी ससा असारी कसा, ताट असती तुझे कान, तोंडा बढ़ती मिशा छान, डोड़े तुझे लाल लाल, गुबगुबी तुझे लाल, अंग तुझे पांडरे पांडरे, विसे किती छान गोजरे, शेपटी तुझी किवलीशी, हलो दोस्त कशी कशी, गवत खातो कुरू कुरू, चाल दोस्त तू तुरु तुरु, चाहूल लगता थोड़ीशी, माळ तोस तू दड़ी कशी, असा रे कसा भित्रा तू ससा। अभी बच्चों मैंने नजर तुम्हारे सामने एक बार पढ़ी, अब इस नजर के दो दो लाइन में तुमको समझाऊंगी। तो बच्चों समझाने के पहले मैं ये बताती हूँ कि हम लोग बहुत सारे जानवर पालते हैं और जिन जानवरों को हम पालते हैं पालतू जानवर कहते हैं, जैसे कि कुत्ता बिल्ली बकरी। तो कुछ लोग ससा भी पालते हैं, खरगोश भी पालते हैं। तो इस नजर में बताया गया है कि खरगोश कैसा नजर आता है और क्या खाता है और क्यों उड़ी छलांग लगाता है। मैं दो दो लाइन समझाऊंगी। ससारी ससा असारी कसा, ये लड़की इस खरगोश से कहती है, ससे से कहती है कि ऐ ससा तू ऐसा क्यों है। ससा रे ससा असा रे कसा, असा मंजे ऐसा, कसा मंजे। लड़की खरगोश से कह रही है कि ऐ ससा तू ऐसा क्यों है। ससा रे ससा असा रे कसा, यानी के ऐ खरगोश तू ऐसा क्यों है। अब अगली लाइन देखो। ताट अस्ती तुझे कान, तोंडा वर्ती मिश्या छान। तो ससे के कान कैसे है, ताट, ताट मतलब टाइट होते हैं बच्चों, और तोंडा वर्ती मिश्या छान। तो ये चार्ट में तुम लोग देखेंगे तो ये खरगोश ससे की तस्वीर दिखाई गई है और ताट अस्ती तुझे कान, तो ये कान देखो बच्चों और इस खरगोश के कान कितने टाइट, ताट मुझे टाइट रहते हैं और तोड़ा वर्ती मिशा छान, मुझे ये मुंह के ऊपर जो उसके नाक के पास बाल है वो उसके मिशा कहा गया है और वो कैसे है छान है। अब अगली लाइन। डोड़े तुझे लाल लाल, डोड़े कैसे आ गए लाल लाल, गुब गुबित तुझे गाल। बच्ची क्या कह रही है कि ऐ खरगोश ऐसा तेरे आंखें डोड़े तुझे लाल लाल आए और गुब गुबित तुझे गाल। तो इस तस्वीर में देखो, ये चित्र में देखो, खरगोश के डोड़े मुझे आंख, आंख कैसी है बच्चों लाल लाल और गुब गुबित गाल, मतलब इसके गाल जो है वो भरे हुए है, उभरे हुए है। जैसे एक सेहतमंद बच्चे के गाल वैसे होते हैं खुले हुए, तो उसी तरह खरगोश के गाल भी गुब गुबित उभरे हुए है। अंग तुझे पांडरे पांडरे, विसे की छान गुजरे, अंग तुझे पांडरे पांडरे, अंग मंजे बच्चों उसका जिस्म उसका बॉडी कैसा है, पांडरा पांडरा है, सफेद सफेद। सफेद क्यों है बच्चों, क्योंकि उसके जिस्म पर सफेद बाल होते हैं, इसके लिए उसका अंग कैसा है पांडरा पांडरा। दिसे की छान गुजरे, जिसकी वजह से सफेद बाल होने की वजह से उसका जिस्म छान गुजरा खूबसूरत नजर आता है। शेपटी तुझी इवलीशी, हलो दोस्त अशी कशी, शेपटी म्हणजे दुम। तो देखो बच्चे ये खरगोश ससे की तस्वीर में यहाँ पर उसके कान टाइट है, आंख लाल है, उसके गाल उठे हुए, उसके मिशे छाए और उसके जिस्म पर सफेद बाल है और उसकी शेपटी कितनी है इवलीशी, इवलीशी म्हणजे छोटी सी। देखो यहाँ पर उसके जिस्म बड़ा है, कान बड़े है, उसकी दुम छोटी है, तो इवलीशी म्हणजे छोटी सी। गवत खातो कुरू कुरू, हलो चाल तोस्तु तुरु तुरु, गवत म्हणजे घास। बच्चे ये देखो, ये घास नजर आ रही तुमको, तो ये खरगोश क्या खाता है, कुरू कुरू कतर कतर कर खाता है और चाल तोस्तु तुरु तुरु, खाने के बाद गवत
गाजर, मूली और सब्जी तरकारियां वगैरह। चाहूल लगता थोड़ी सी बाल तो दड़ी कशी, जरा सा भी हरकत का एहसास होता है तो तू दड़ी लगाना है छाया में। अब किताब में देखो बच्चों, दूसरी तस्वीर, तस्वीर में एक बच्ची और एक खरगोश दिखाया गया है जिसमें खरगोश छलांग लगा रहा है, दौड़ रहा है और एक लड़की उसके पास खड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि उसको चाहूल लगता थोड़ी सी, यानी कि उस बच्ची के आने का उसको एहसास हुआ तो उसने मार दड़ी, उसने क्या किया छलांग लगाकर दौड़ना शुरू किया। ये तस्वीर से तुमको समझ में आ रहा है कि लड़की खड़ी है इसके लिए खरगोश दड़ी लगाकर छलांग लगाकर दौड़ रहा है। असारी कसा बिकरा तू ससा, ऐसा असारी कसा पहले ऐसा क्यों है तू खरगोश, बिकरा मंजे तलपो, क्यों बिकरा कहा गया है क्योंकि बच्चे के आते ही वो खरगोश क्या करने लगा, दड़ी मारने लगा, पूरी मारकर छलांग लगाकर दौड़ने लगा। इसके लिए उसको क्या कहा गया है, बिकरा, बिकरा मंजे डरपो। बच्चे सबको समझ में है नजर। अब मैं तुमको खरगोश की खाल बातें बताती हूँ। इस चार्ट के जरिए हम देखेंगे इस चार्ट में सबसे अभियान बताया गया है और सबसे की खसूसियात, उसकी खूबियां अच्छी बातें बताई गई है। पहले सबसे कान, कान सबसे के कान कैसे है, तार, तार में ये टाइट, उसके कान कभी भी ऐसे पलटी नहीं होते, हमेशा टाइट रहती है। दूसरा नंबर सबसे डोड़े, डोड़े में जी आँख, सबसे की आँख तो कैसे कसिया है, लाल लाल। हम कोई भी खरगोश देखेंगे बच्चों तो उसकी आँख क्या होती है, लाल होती है। सचेची गाल, सचेची गाल गुबी, ये जो इसके चेहरा है उसका उभरा हुआ है ऐसे सहज में बच्चे की तरह मोटा, उसके गाल है गुबी है। उसके बाद है सचेची अंड, ये इसका पूरा उसका जिस्म कैसा है, पांडे पांडे, पांडा पांडा के लिए क्योंकि उसके जिस्म पर उसके बॉडी पर पूरे सफेद सफेद बाल है। उसके बाद सचेची शेपटी इंची, इसकी धूम है बच्चों छोटी सी, पूरा जिसम उसका अच्छा है उसकी धूम ही छोटी है, इंग्लिशी मंजे छोटी सी। सबसे निशा, निशा ये इसके नाक के पास जो बाल है उसको निशा कहा है और वो कैसे है छा। तो बच्चों तुमको कविता समझ में आई, अब इस कविता के हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। ताश, ताश मंजे सीधा टाइट, तोड़ावर मतलब चेहरे पर, गुबगुबी उभरे हुए मोटे उभरे हुए, अंग मंजे जिस्म, छान मंजे अच्छा, शेपटी दुम जो सबसे की इंग्लिशी है, इंग्लिशी मंजे छोटी सी, गवत, गवत मंजे घास, चाहुल हरकत का एहसास, दड़ी छलांग लगाना। समझ में आया बच्चों, तो ये अल्फाज तुम घर पर अपनी मराठी की कॉपी में घर के 10-10 बार लिखेंगे और इसके साथ साथ 10 पाड़ी प्राणी मतलब पालतू जानवर और 10 रंगों के नाम मराठी जबान में लिखकर याद करेंगे और साथ ही इस नज़्म को याद भी करेंगे। समझ में आया सबके, चलो खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।